आज हम कमोड हाइट एडजस्टेबल कमोड चेयर देखेंगे, जिसको कि आप पॉट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और वेस्टर्न सीट पे यूज़ कर सकते हैं और इंडियन सीट पे भी यूज़ कर सकते हैं। फोल्डिंग होती है, हाइट एडजस्टेबल होती है, इसमें इसका MRP 3620 MRP है इसका। अभी हम इसको देखेंगे कैसे यूज कर सकते हैं। खोलने के लिए एक फोल्ड इधर से खुलेगा और एक फोल्ड ऐसे घुमा के सामने की तरफ आता है और ये सीट वाला पार्ट जो है इसको उठा के, ये जो दोनों हुक्स बने हुए हैं ये इस पाइप के ऊपर रेस्ट करेंगे दोनों साइड से। इसका कवर भी आता है साथ में, इसको कवर कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ये सीट लिफ्ट करेंगे तो इसमें ये नीचे पॉट होता है, पॉट उठा के हम लोग क्लीन कर सकते हैं। पॉट के साथ यूज़ करना है तो पॉट लगा के सीट लगाइए, इसको यूज़ कर सकते हैं। जब बैकरेस्ट भी इसमें मिल जाता है हमें, जब इसको यूज़ करने के बाद में आपको हटाना है तो आप इसको फोल्ड करके पूरा भी ऐसे उठा के ले जा सकते हैं, या फिर इसका कवर और सीट दोनों हटा के, इसके साथ कवर भी आता है, इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको क्लीन करके वापस इसमें लगा सकते हैं। अब अगर आपको ये पॉट के साथ में यूज़ नहीं करना है, आपको इंडियन सीट पे यूज़ करना है, इंडियन सीट पे विदाउट पॉट इसको आप ऐसे ही रख सकते हैं, ऐसे ही रख के आप स्टेशन को बिठा सकते हैं इसके ऊपर। और अगर आपको ये वेस्टर्न सीट पे यूज़ करना है तो वेस्टर्न सीट पे यूज़ करने के लिए सीट्स की हाइट अलग डिफरेंट होती है सब जगह, तो इसको करने के लिए इसमें हाइट एडजस्टमेंट दिया हुआ है। हाइट एडजस्ट करने के लिए इसकी चारों लेग्स में ये बटन दिया हुआ है, इस बटन को प्रेस करके जिस भी होल में आपको रखना है उस होल में आप रख के इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमने 1 2 3 4 4th होल में डाला है इसको, तो सबका हम 4th होल में करते हैं, इसको हाइट एडजस्ट करके देखेंगे। ये इतना और ऊंचा हो गया, तो ऊंचा करके आप इसको ऐसे इंग्लिश सीट के ऊपर माउंट कर सकते हैं, इसको फिर आप यूज कर सकते हैं सीट ऊपर। नी रिप्लेसमेंट में भी काफ़ी काम आता है, जिसमें पेशेंट को घुटने ज़्यादा नहीं मोड़ने हैं तो आप इसका हाइट ऊंचा करके पेशेंट को ज़्यादा वो नीज फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप इसका हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। फोल्ड करने के लिए वापस इसको आप फिर से कवर लगा दीजिए, इसको लिफ्ट कीजिए, इसको हटाइए, इसको थोड़ा सा खोलिए, इसको वापस नीचे छोड़ दीजिए। एक आर्म इस तरफ फोल्ड करनी है, एक आर्म इस तरफ फोल्ड करनी है, सिखा के आप साथ में ले जा भी सकते हैं, कैरी करने में भी इजी है। फिर से असेंबल करने के लिए
दोनों आर्म्स खोल लीजिए। थैंक यू।